मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल NCR आलोक जी, और मैं आज आपको लेके आया हूँ गुड़गांव। गुड़गांव में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, गुड़गांव में बहुत सारे बेस अपार्टमेंट्स हैं जिसमें बहुत सारी बेसमेंटें हैं, तो कईयों में मैं गया हुआ हूँ, पर मेरे पास आज एक कैमरा है जिससे मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊँगा कि गुड़गांव की या कह लो NCR की सबसे बड़ी बेसमेंट है जो गेट से स्टार्ट हो जाती है। वो गेट से स्टार्ट होती है और तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं वो गाड़ी से पार करने के लिए, और उसमें -2 -1 बना हुआ है। तो मैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे हम लोग जाते हैं। हम करेंगे वहाँ एक ट्रैक्टर, छोटा सा ट्रैक्टर जो बेसमेंट के अंदर लेके जाएगा, क्योंकि पैदल ना भूलभुलैया सा है वो, तो पैदल तो बड़ा मुश्किल है, तो ट्रैक्टर करेंगे और ट्रैक्टर से चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि कैसा मिलता है बेसमेंट। और अब हम जा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे एंट्री होती है बेसमेंट में। ना बहुत बड़ा बेसमेंट है यार, ये गुड़गांव का सबसे बड़ा बेसमेंट है गुड़गांव का। इसमें कोई भी सामान जाने के लिए ना सीधा ये ट्रैक्टर लगता है, ट्रैक्टर। अब इसी ट्रैक्टर से हम लोग जा रहे हैं अंदर। ये हमारी एंट्री हो गई, उसके बाद जो भी रास्ता दिख रहा है ना आपको, ये एंट्री हो गई। एंट्री के बाद देखो आप सीधा एकदम रास्ता, बिल्कुल लाइटिंग तो है अंदर, पर पैदल के बहुत लंबा है ये, बहुत ज़्यादा। और अंदर जो इतने सारे कट है ना, स्टार्टिंग में भी एक कट था, आगे भी एक कट है, इतने सारे इसमें कट हैं कि आप अगर इसमें पहली बार या दूसरी बार भी जाओगे ना तब भी आपको भ्रम हो सकता है। अब देखो एक राइड में भी जा रहा है एक कट, राइड में बहुत बड़ा बेसमेंट है। इसके ऊपर है पार्क, इसके ऊपर अपार्टमेंट का खुद का पार्क है, रोड्स हैं ऊपर, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बना रखी हैं, पर नीचे पूरा बेसमेंट दिया हुआ है। अब यहाँ से हमने लिया लेफ्ट और हम चले गए बेसमेंट के भी बेसमेंट में, B1 में और बेसमेंट 1 में। और देखिए इसमें एक और लेवल है बेसमेंट का, और सेम रोड्स उतनी बड़ी हैं, कोई कंजेस्टेड नहीं है, पर धीरे धीरे ना बेसमेंट की हाइट कम होती चली जाएगी, तो वो बहुत मतलब बहुत एक एक्यूरेट में आ जाता है कि गाड़ियाँ जा सकती हैं, पर वो बहुत बड़ी हाइट नहीं होती, इसलिए मुझे वो ये वीडियो बैठ के बनानी पड़ी। यहाँ पे लाइटिंग के लिए वो लगा हुआ है गार्ड, और गार्ड दिखा रहा है कि रोड क्लियर है। B1 में बेसमेंट 1 है, पहले आए थे, अब हम जो इससे पहले आए थे बेसमेंट 1 में, इसके बाद अब देखिए एक और बेसमेंट है लेफ्ट साइड में, हमें जाना है इससे भी नीचे बेसमेंट 2 में। तो टोटल ना 3 लेवल का हो गया ये, तो समझ लीजिए घर होते हैं 3 लेवल के, पर ये बेसमेंट है। अब ये देखिए हम चले गए B2 के लिए नीचे। देख रहे हम पहुंच गए, कितना टाइम लगता है यार, बहुत बड़ा बेसमेंट है, पर हम सारे अपना झूलते झालते आ रहे हैं। ये देखो पहुंच गए, गाड़ी गाड़ी लग चुकी है पार्क में। हाँ वीडियो बनेगा, देखो गुड़गांव का ना ये सबसे बड़ा बेसमेंट है, इससे बड़ा बेसमेंट ना कहीं है नहीं। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो कैसे कैसे चल रहे हैं।
देख रहे हो ये इसकी एंट्री आ गई है, कितनी लंबी रोड है। ये आ गए हम इस बेसमेंट से बाहर। गाड़ी से आए तब अगर हम पैदल होते तो सोचिए कितना टाइम लगता और कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ता। तो हम पहुँच गए। तो मैंने आज आपको दिखाया है गुड़गांव एनसीआर, दिल्ली, फरीदाबाद, मतलब एनसीआर का सबसे बड़ा बेसमेंट है। इससे बड़ा बेसमेंट मैंने अभी तक देखा नहीं है पिछले 5 सालों में। और बिना गाड़ी के ना वो बहुत ही टफ हो जाता है। और दूसरा ये है ना कि अगर आपको पैदल जाना पड़े ना तो बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, कई बार आप लोग खो जाते हैं नीचे। तो बेटर है कि आप ऊपर वाले रास्ते से जाएं। ऊपर पैदल जाने का रास्ता है पर ऊपर से गाड़ियां नहीं जाती हैं, डायरेक्ट गाड़ियां गेट से अंदर होती हैं और सीधा बेसमेंट में जाती हैं। बेसमेंट में पहला जैसी आपने देखा उतरते हुए है, वैसी 2 लेवल और हैं, B1 B2। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं देखता हूँ अगला ब्लॉग मैं किस पे बना सकता हूँ। आप देख रहे थे मेरा चैनल NCR आलोक। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।